ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मान, ये सृष्टि का विधान है, अटल और अटूट है कि यहां कर्म गति से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए हम आज से ही अलर्ट हो जाएं। जो हो गया जाने अनजाने में, अभी भी मौका है, हम फॉरगिव फॉरगेट कर दे, क्षमा याचना मांग ले मनी मन, अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों को रियलाइज करके, जिनको भी हमारे से कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, हम मन ही मन भगवान को साक्षी रखते हुए सच्चे हृदय से स्वेच्छा से सर झुकाकर क्षमा याचना कर ले। हे मनुष्यात्माओं, अगर मेरे से जरा भी तुम्हें कष्ट दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ करो, क्षमा करो। और यदि मेरे को किसी ने कष्ट पहुंचाया हो इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तकलीफ दी हो, टॉर्चर किया हो, मेरा हक अधिकार छीना हो, मेरे साथ विश्वासघात किया हो, धोखा किया हो, मेरा सब छीन लिया हो, लूट लिया हो, तो बदले की आग में जलने से बेहतर है कि मैं चित्त को शांत करूं और बड़ा नेक काम करूं। ऐसी आत्माओं को भी अपने दिल से सच्चे मन से क्षमा कर दूं, माफ कर दूं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है। आप जो दोगे वही मिलेगा। आप रात होने से पहले अपने गुनाहगारों को माफ कर दीजिए व्यक्तिगत रूप से, सुबह होने से पहले भगवान भी तुम्हें क्षमा कर देगा तुम्हारे गुनाहों में। जो दोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बात में अपने मन को क्रोधित रखेंगे, ईर्ष्या में जलते रहेंगे, नफरत में जलते रहेंगे, तो आप बहुत कुछ गवा देंगे, अपने चित्त की शांति गवा देंगे, अपने घर का सुख गवा देंगे, संबंधों का सुख गवा देंगे, अपनों को गवा देंगे। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पे जो भारत के कानून है, रूल है, वो अपना काम करें, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा करती हूं।